तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे सारी चीज़ें फ्रेंड्स की, आप देख रहे हैं कल का एक अपडेट आया हुआ है, UO5 का बहुत बड़ा अपडेट है। जैसा कि आपने जाना हुआ डिटेल में, तो मैं भी वही डिटेल देने वाला हूँ। बट मैं जो डिटेल देता हूँ फ्रेंड, आपको फाइनली सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आप उसे कैसे इंस्टॉल करोगे, और विथ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, विथ प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे क्लीन करना है और कैसे RPM भी क्लीन होती है, क्या उसका प्रोसेस है, वो मैं सारा बताऊंगा। अपडेट के बारे में भी बताऊंगा क्योंकि अपडेट आपने देखा ही देखा है, बट यहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो वीडियो में आप ऐसे ही बने रहें, वीडियो को लास्ट इन तक आप जरूर देखिएगा। और वीडियो में आप हमारे चैनल में, अगर आप नए हैं, अगर आप हमारे चैनल को नया है, तो आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे हमारे नए नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में जो कंटेंट हमने दिया है, इस वीडियो में पहले आपको इंस्टॉलेशन बताऊंगा, कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं, कहाँ से इसको आपको अपडेट करना है, कैसे डाउनलोड करना है, वो सारी चीज़ें, और डिस्क्रिप्शन में इसके मैं लिंक भी आपको दे दूंगा। तो दूसरी चीज़, ये हमारे पास रखी हुई है MMC, यहाँ पे आप देख सकते हो सैमसंग की MMC है, और इसमें हम देखेंगे क्या क्या अपडेट है, सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं, और इसको कैसे इसके RPM भी क्लीन करते हैं, कैसे RPM भी क्या कैसा है, मैं सारा इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट इंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए तो सबसे पहला प्रोसीजर है फ्रेंड, हमें इसे डाउनलोड कैसे करना है। तो आप मार्टफ्यू फोरम से या फिर आप डायरेक्ट भी UO5 के साइट से भी जाकर कर सकते हैं, नहीं तो आप मार्टफ्यू फोरम से जाकर के, क्योंकि इनकी 6th एनिवर्सरी है, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने ये अपडेट डाला हुआ है। तो आप देख सकते हैं इसका जो अपडेट है यहाँ पे, वर्जन 1.622 और 02, ये है इसका वर्जन, लेटेस्ट वर्जन जो इन्होंने अपडेट किया हुआ है इसमें फ्रेंड। और ये देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें, इंटरफेस को मैं आपको विथ वी लाइव UO5 को खोल करके आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअल में वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। सारी चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकल दूंगा, कोई भी बोल करके या फिर ये स्क्रीन को दिखा करके मैं यहाँ पे हाईलाइट नहीं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारी चीज़ें हैं, तो इसीलिए सारी चीज़ें फ्रेंड आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो अपडेट है, इन्होंने इतनी जो सैमसंग की MMC है, यहाँ पे MMCP जो हम बोलते हैं इसको, ये इसमें सारे BZ221 और यहाँ पे 221, ये 221, ये 254, ये सारे सैमसंग की जो ICयाँ हैं इन्होंने ऐड किया हुआ है। इनकी आप बहुत अच्छी तरीके से RPM भी को क्लीन कर सकते हो, और जो इसका प्रोसीजर है आप उसे प्रोसीजर कर सकते हो, देख सकते हो यहाँ पे है। तो अभी ये देखिए, अभी से फाइनली मैं बात करता हूँ इसे डाउनलोड कैसे करना है। तो आप ये तीन सोर्सेस यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो, गूगल ड्राइव, मेगा और मीडियाफायर से। आप इनको चूज करोगे आप हो जाएगा। तो मैंने मीडियाफायर सेलेक्ट किया था, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, जैसे आप क्लिक करोगे डाउनलोड पे आ जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे लाइव फ्रेंड यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है। अब इसे जो हम, मैं अभी आपको यहाँ पे स्क्रीन के पेज से नहीं बताऊंगा, अभी मैं सारा चीज आपको दिखाऊंगा लाइव डेमो की, कैसे हमें इंस्टॉल करना है सारी चीज़ें यहाँ पे। तो वीडियो को देखिए, ये सारी चीज़ें तो आपने देखी हुई है, सारी चीज़ें डली हुई है। तो अब मैं यहाँ पे आपको जो दिखाऊंगा वो मैं दिखाऊंगा लाइव। तो चलिए अब यहाँ पे हम जाते हैं डाउनलोड और करते हैं स्वयं फोल्डर, और उसको कर लेते हैं हम स्ट्रैक, इसको हम कर लिए फ्रेंड स्ट्रैक, ये हमारे स्ट्रैक हो रही है। जो भी है सारा चीज़ मैं आपके सामने लाइव कर रहा हूँ। ये हमारा UO5 बॉक्स, अब हम इस UO5 बॉक्स से सारा चीज़ यहाँ पे करने वाले हैं, आपको सब कुछ यहाँ पे दिखाएंगे। तो मैं UO5 बॉक्स को कर देता हूँ कनेक्ट फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो UO5 बॉक्स को हम यहाँ पे कर देते हैं कनेक्ट, क्योंकि ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी है। अगर किसी को जो एकदम नए फ्रेशर हैं, अगर उनको ये भी नहीं पता है कि हमें कैसे डाउनलोड और कैसे इंस्टॉल करना है, तो ये वीडियो उनके लिए भी है। तो अगर आपको इंस्टॉलेशन पता है तो वीडियो को थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। तो चलिए ये मैं यहाँ पे प्रोसेस हमने डाउनलोड कर लिया, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा वर्जन वर्जन V1.6 और हमारा ये, तो देखिए बॉक्स आपका लगा होना चाहिए, नहीं तो ये ड्राइवर के बारे में डिटेक्ट करेगा। अगर आपका बॉक्स नहीं लगेगा तो आपका यहाँ पे शो नहीं करेगा, तो आपका बॉक्स यहाँ पे लगा होना चाहिए। यहाँ पे करना है नेक्स्ट, और इसके अगर आपके PC में फ्रेंड ड्राइवर है तो ठीक है, अगर आपके PC सिस्टम में ड्राइवर नहीं, तो आप यहाँ पे जो भी आपके सिस्टम में ड्राइवर नहीं है, तो आप यहाँ से ड्राइवर को भी डाउनलोड कर सकते हो। तो हमारे PC में ऑलवेज सभी ड्राइवर हैं, तो मैं यहाँ पे कोई भी ड्राइवर को यूज़ नहीं करूंगा, और यहाँ पे हम कर देंगे नेक्स्ट। तो ये एक प्रोसीजर आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगा कि फ्रेंड कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं, UO5 सेटअप हम कैसे इंस्टॉल करते हैं, सारा प्रोसीजर मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप, अब मैं यहाँ पे सामने लाइव भी कर रहा हूँ। तो अभी जस्ट अ सेकेंड यहाँ पे अभी ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद फ्रेंड ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने ही कर रहा हूँ, ये चेकिंग फॉर यहाँ पे क्लीनिंग, और यहाँ पे हो चुका है, ये हमारा नेक्स्ट कर देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद हमें UO5 का MMC बॉक्स टूल हमें यूज़ करना है, तो हम इसे कर देंगे फिनिश। तो ये हमारा एक छोटा सा इंस्टॉलिंग प्रोसेस था, ये हमारा इंस्टॉलिंग प्रोसेस हो गया। तो हमारे पास ये देख सकते हैं फ्रेंड MMC भी है, और MMC को मैं डिटेक्ट करके सारी चीज़ आपको प्रैक्टिकल में दूंगा। ये इसका सॉकेट है और ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, तो मैं आपको सारा चीज़ यहाँ पे वीडियो में लाइव करके दिखाने वाला हूँ।
तो ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये ओपन हो चुका है। मैं इसको कर लेता हूँ थोड़ा सा साइड, ये थोड़ा सा मैं इसको साइड कर लेता हूँ, ओके कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको क्लोज कर लेता हूँ। ये देख सकते हो आपने यहाँ पे देखा था फ्रेंड कि जो आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ भी दिखाई दे जाएगा कि यहाँ पे कौन सा सपोर्ट करेगा कौन सा सपोर्ट नहीं करेगा। न्यू एफ एफ यू फॉर एम एम सी यहाँ पे आ चुका है, देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये देखिए इतने सारे मॉडल्स, मतलब इतनी सारी आप एम एम सी को आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, मतलब क्लीन कर सकते हो, तो ये देख सकते हो यहाँ पे। तो फ्रेंड अभी करना कैसे प्रोसीजर ये मैं आपको सारा चीज मैं बताता हूँ। चलिए मैं इसको सॉकेट में लगा लेता हूँ, ये मैं सॉकेट में लगा लेता हूँ फ्रेंड, और सॉकेट में लगाने के बाद ये मैंने सॉकेट में लगा लिया। अब मैं इसके यूएफआई के बॉक्स में इसको लगा लेता हूँ, ये मैंने लगा दिया है। अब हमें सिंपल और सिंपल करना है आइडेंटिफाई। तो आइडेंटिफाई करने के बाद ये देख सकते हैं हमारी ये एमएमसी डिटेक्ट हो चुकी है, सैमसंग की एमएमसी है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो सैमसंग लिखा हुआ है, इसकी स्टोरेज है, ये सारी चीजें। तो जो इसका जो बिग अपडेट है फ्रेंड्स, उसका बिग अपडेट आपने देखा ही है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं रीड एमएमसी एफडब्ल्यू फॉर्म में, तो ये यहाँ पे जो इसका अपडेट आया हुआ है आप इसका अपडेट देख सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है अपडेट एमएमसी एफडब्ल्यू, आप यहाँ से इसको क्लीन कर सकते हो सारी चीजें। तो सबसे पहले हम इसका रीड कर लेंगे, और अगर आप कभी रिपेयर भी करना है फ्रेंड, मैं आपको बता दूं अगर सैमसंग की एमएमसी हेल्थ अगर वो कनेक्ट नहीं होती है, कोई एरर आती है, तो आप यहाँ से अपलोड एमएमसी एफडब्ल्यू करके आप एमएमसी को रिपेयर भी कर सकते हो। तो जो इसका बिग अपडेट है मैं सारी चीज आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो दिखा दूं यहाँ पे जो इसका काउंटर है, ये देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारी पूरी एमएमसी हो गई, इसकी ये डिटेलिंग तो आपको पता ही है, जाहिर सी बात है, नहीं पता है तो आप इंस्टीट्यूट इससे टेलीकॉम हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो इसकी आरपीएम भी है, मेन जो आरपीएम भी का मैटर है, यहाँ पे आप देख सकते हो आरपीएम भी इसका जो काउंटर है 114, मतलब ये एमएमसी इसकी आरपीएम भी क्लीन नहीं है। तो इसके हम क्लीन प्रोसेस जो अभी तक आप बिजी जेटैक में देख रहे थे वो हम यहाँ पे यूएफआई में देखने वाले हैं कैसे। तो हमने ये डिटेक्ट कर दिया, ये इसका एंड्रॉइड इन्फॉर्मेशन सारी चीजें यहाँ पे शो कर रहा है, रेडमी नोट 4 की ये इसमें जो प्रोग्राम हुई थी, एंड्रॉइड सिस्टम, एंड्रॉइड वर्जन, ये सारी चीजें यहाँ पे देख रहा है, यूजर एरिया यहाँ पे आपको दिखाई दे रही सारी चीजें। अब इसे हमें करना क्या है फ्रेंड, तो सबसे पहले अगर आपको जो प्रोसीजर है, सबसे पहले आपको यहाँ पे करना है इसको फैक्ट्री रिस्क, क्योंकि किसी भी आईसी को सबसे पहले हमें उसे क्लीन करना होता है, तो हमने उसको फैक्ट्री रिस्क, अगर फैक्ट्री रिस्क में कोई एरर आता है सारी चीजें, अगर कोई दिक्कत आती है फ्रेंड, तो वो भी स्टेप बाय स्टेप मैं लाइव करूंगा। अगर कोई एरर आता है तो यहाँ पे हम अभी लाइव करने वाले हैं। तो देखिए फैक्ट्री रिस्क हमारा हो चुका है, इसके बाद हम कर लेना है इरेज पे भी क्लिक कर लेना है, मतलब हमें इस एमएमसी को फाइनली प्रॉपर क्लीन कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी एरर नहीं आया, यहाँ पे हमारा डन 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 ओके और सारी चीजें हो गई। तो एक बार हम फिर से इसको हम कर लेंगे आइडेंटिफाई, और आइडेंटिफाई करने के बाद हम इसको करेंगे पहले रीड एमएमसी एफडब्ल्यू, उसके बाद हम करेंगे इस अपडेट एमएमसी एफडब्ल्यू। तो अब इसको करना है आइडेंटिफाई, तो एक बार आइडेंटिफाई और कर लेते हैं फ्रेंड। तो ये सारी चीजें मैं डिटेल के साथ वीडियो बनाता हूँ, तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगता होगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको मिले। अभी पूरी तरीके से एमएमसी हमारी क्लीन हो चुकी है फ्रेंड, आप देख सकते हो वहां पे। अब हमें करना है इसको एमएमसी को आरपीएम भी क्लीन, तो चलिए फटाफट इसको करते हैं। तो आरपीएम भी क्लीन करने के सबसे पहले हम इसका रेट कर लेते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि सारी चीजें डली हुई हैं, अब इसके जो अपडेट है, जो इसका सपोर्ट है, वो डला हुआ है आपको, तो इसको हम रीड कर लेते हैं। रीड करने के बाद ये देख सकते हैं फ्रेंड हमारा ये रीड हो चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर इसको हम क्लिक करते हैं तो इसके हम सीधा यूएफआई के एमएमसी और एफएफयू, और यहाँ पे आप देख सकते हो यूजर में इसकी आरपीएम भी जो फाइल है एफडब्ल्यू वो रीड हो चुकी है। अब उसके बाद हमें सिंपल और सिंपल क्या करना है, यहाँ पे अपडेट एमएमसी एफडब्ल्यू पे क्लिक कर देना है। ये वॉर्न कर रहे हैं क्या सही है कि नहीं है, आप श्योर हैं कि नहीं है, तो यस आई एम श्योर, तो इसे हम कर देना है ओके। तो अब ये फ्रेंड प्रोसीजर हमारा चालू हो गया। पहले तो जो इजीजेटेक में था, आप उसे फाइल को टिक करके फिर पाथ को सेलेक्ट करना पड़ता था, सारी चीजें इसमें बहुत इजी है, और ये जो अपडेट है बहुत ही अच्छा अपडेट है, और बहुत जल्द इसका यूएफएस का भी अपडेट आएगा, तो ऐसे ही मैं बहुत जल्द यूएफएस का भी अपडेट दूंगा। तो आप वीडियो में ऐसे ही आप बने रहें फ्रेंड। अगर ये फ्रेंड आपको ये जो पूरा प्रैक्टिकल, मैं प्रैक्टिकल तौर से आपको सारी चीजें मैंने प्रैक्टिकल तौर से दी है, कैसे इंस्टॉल करते हैं और इसका जो अपडेट था, क्या अपडेट था, ये सारा चीज फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे आपको विद प्रैक्टिकल दिया हुआ है। तो आई होप ये अच्छा लग रहा होगा आपको। ये सैमसंग की एमएमसी है, यहाँ पे आप देख सकते हो सारी चीजें, यहाँ पे अपडेट, वार्निंग फॉर वेटिंग 4 सेकेंड्स, और हमारा ये प्रोसीजर चल रहा है।